लंबे इंतजार के बाद लॉकडाउन खत्म होने के खबरें आ रही हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 15 अप्रैल से ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी में है रेलवे। भारतीय रेलवे ने 15 अप्रैल से ट्रेन सेवाओं का परिचालन फिर से शुरू करने की तैयारी आरंभ कर दी है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है जो कि 14 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में उन लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है जो देश के अन्य कोनों में फंसे हुए हैं, घर लौटने के लिए लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे से जुड़े सभी सुरक्षा कर्मियों, गार्ड्स, टीटी और अन्य अधिकारियों को 15 अप्रैल से अपने पदों पर फिर से ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। एक बार मैं फिर से आप सबके लिए पढ़ देता हूँ। रेलवे से जुड़े सभी सुरक्षा कर्मियों, गार्ड्स, टीटी और अन्य अधिकारियों को 15 अप्रैल से अपने पदों पर फिर से ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में बहुत उम्मीद है कि ट्रेनें फिर से शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से अंतिम यानी कि लास्ट डिसीजन तो सरकार का ही होगा। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। सरकार ने इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन भी किया है कि ट्रेनें जल्द से जल्द शुरू हो जाएं। कैसे होंगी जो भी है, इनका तैयारी चल रही है। इसी बीच रेलवे ने भी अपने सभी जोन्स को ट्रेनें शुरू करने के लिए जो भी प्लानिंग की है उसकी पूरी तैयारी, जो पूरी डिटेल प्लानिंग है उसकी जानकारी सबको दे दी गई है। अगर ट्रेनें स्टार्ट होती हैं तो जो उनका प्लान होगा, जिस तरीके से स्टार्ट की जाएंगी, चलाई जाएंगी, उसकी जानकारी सभी जोन को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक शताब्दी दुरांतों सहित 80% ट्रेनों का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलाए जाने की योजना है। इसके साथ ही लोकल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। और सूत्रों के मुताबिक रेलवे सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग करेगा और सभी तरह के प्रोटोकॉल का पालन भी करेगा। साथ ही साथ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब ट्रेनें जो स्टार्ट होंगी उनमें रेलवे में मिलने वाली छूट जो है, जो किराए में जो छूट होती है, जो कम पैसे लगते हैं, वो जो किराए की छूट है सिर्फ रोगियों को, छात्रों को और दिव्यांगजनों को ही मिलेंगी। तो जितना हो सके उतना बुज़ुर्ग लोग परहेज करें यात्रा करने से, क्योंकि अब तो किराया भी ज़्यादा लगने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे रेलवे की अगली वीडियो में बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।